बीनू, तुम ठीक तो हो? आई एम ओके। मगर तुम ठीक तो नजर नहीं आ रही। सोच रही थी बस। क्या? यही सोच रही थी कि मुझे उस प्यार को छोड़ देना चाहिए, यही बेहतर होगा मेरे लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। क्या ये बात मुझे बताने की कोई अहम वजह है बीनू? नहीं, इस तरह मत देखो मुझे शहरजाद, वाकई तुमसे इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। हर सुबह एक नई उम्मीद बनती है और टूट जाती। थक गई हूँ मैं, हर चीज के पीछे भागते भागते थक गई। ऐसा मत कहो। करीम साहब के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है, ये बात तो साफ जाहिर है। क्यों मैं कोई उम्मीद कर रही हूँ? मुझे आसमान से प्यार हो गया और आसमान को पता भी नहीं, और बेचारी मैं। ये मिसाल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। आसमान तुम हो। तो फिर बदनसीब कौन हुआ? इस मामले में कोई भी बदनसीब नहीं। ये तो और भी बुरा हुआ। करीम साहब भी आसमान, मैं भी आसमान, फिर तो बात बन ही नहीं सकती। बीनू जान, क्या तुम मोहब्बत को आसान समझती हो? अगर ऐसा होता तो हर कोई खुश होता। आसान नहीं है बीनू। शुरू में कई मुश्किलात आती हैं, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी मोहब्बत में मौत अलैदा कर देती है, लेकिन प्यार से मुंह मत फेरना। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे ख्याल से पहाड़ों पर चढ़ना कैसा होता है? मैं तो कई दफा गिर भी चुकी हूँ। जानती हो उस वक्त अहमद ने क्या किया? वो मुझे गोद में उठाकर कैंप तक ले गया। उस दिन हमारी मोहब्बत शुरू हुई। अहमद के जाने के बाद भी मुझे कोई भी खुशी नहीं मिली। मेरी जान, इस तरह बात मत करो। मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे सामने एक नई जिंदगी है। ऐसा मत करो, प्यार के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। हेलो जी, नूरैया बेगम। ठीक है, मैं आती हूँ। ओनर साहब बुला रहे हैं? नहीं, करीम साहब।